उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आए भी आज 8-10 दिन हो चुके हैं, लेकिन कल होली पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समर्थक कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प देखने को मिली। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पथराव करते नजर आए। पूरा मामला आपको बता दें कि केला देवी थाना के मूसापुर का है। घटनाक्रम के सामने आने के बाद दोनों ही क्षेत्रों में आक्रोश देखने को मिला। जिला मुरादाबाद में होली का दिन संभल में बवाल और हादसों का रहा। शुक्रवार को जहां पूरा जनपद होली के जश्न में डूबा था, वहीं कई जगहों पर वारदातें होती रही। संभल के खगुसराय में दो संप्रदायों के बीच में बवाल हुआ। वहीं केला देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग और पथराव की भी खबर सामने आई है। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, कई लोगों को गोली भी लगी है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह कई लोग इस विवाद को तंदूरी रोटी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों को ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी तक 9 लोगों को पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। पथराव और फायरिंग का कटने का वीडियो इंटरनेट पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।